आज के प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स। ओके, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं एक बार फिर। बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप यहां आ गए हैं। ऑलराइट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप 2 दर्जन अंडे खरीदते हैं तो आपने कितने अंडे खरीदे हैं? इफ यू बाय 2 dozen एग्स, हाउ मेनी एग्स हैव यू बॉट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, A6, B12, C24, D48, A6, B12, C24 या D48। समझ समाप्त हो गया है। सही उत्तर कितना होना चाहिए? 24 अंडे खरीदे हैं आप। 24 इज द राइट आंसर। सी में देखते हैं किनके लोगों ने उत्तर दिया हमारे कंटेस्टेंट में। सभी ने सही जवाब दिया। अंडे खरीदना सबको आता है। ओके, सबसे कम समय में किसने? करण सिंह ठाकुर जी ने। ओहो, 0.76 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है कि करण ठाकुर जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आने वाला है। वहां पर दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कंपनी के R&D विभाग में R का इनमें से क्या अर्थ होता है? The R in a company's R&D department stands for which of these? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, A रिलैक्स, B रिचुअल, C रिसाइकल, D रिसर्च। रिलैक्स, रिचुअल, रिसाइकल और इज इट D रिसर्च। हो गया समय, अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है D रिसर्च। R&D में R जो है वो रिसर्च है। D में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। और सबसे कम समय किसका लगा? करण सिंह जी का फिर से लग गया है। 1.31। ओके, तो करण सिंह जी नंबर 1 स्थान पे थे और लीडर बोर्ड पे अभी भी नंबर 1 स्थान पर बैठे हैं। ओके, आ रहा है तीसरा प्रश्न, रेडी हो जाइए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ले और कारगिल इनमें से किसके 2 जिले हैं? ले एंड कारगिल और 2 districts और विच ऑफ दीज? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी लद्दाख या डी उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या उत्तराखंड। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। सी लद्दाख। और लद्दाख सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? पल्लवी सिंह जी का, 0.89 सेकंड्स। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे करण सिंह ठाकुर जी चल रहे थे। करण सिंह आप जीत गए। यस, बहुत बहुत सर, आइए। सर, वेरी वेल प्लेड। थैंक यू सर। बिल्कुल सही जवाब दिए आपने। हाँ, और जितना समय आपने लगाया उसको जोड़ जाड़ करके लीडर बोर्ड पे आपने देख लिया। हाँ, प्रथम स्थान पे आ गए। हाँ, समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं करण इंद्र सिंह ठाकुर। ये एक किसान है, एक फार्मर है और नवसारी गुजरात से आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। हाँ, सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ आना मेरा साथ एक सपना था ही सर, लेकिन आज मेरे पापा का भी एक सपना पूरा हुआ है। मेरे पापा आज मुझे जहाँ से भी देख रहे होंगे आज बहुत ही खुश होंगे कि आज मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है, लेकिन मेरे पापा, एक पापा को एक सच्ची ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से कि आज जी, क्या हुआ था उनसे भाई? सर लास्ट ईयर जब कोरोना की सेकेंड वेव थी तब उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। कोरोना के कारण हार्ट कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हुई। भाग्यवश उनकी याद में आज आप ये कार्यक्रम और जहां आप हॉट शीट पर आए हैं एक तरह से समर्पित कर रहे हैं। हाँ, मैं उनको, उनके लिए आज जो भी जीतूंगा उनके लिए। बहुत बहुत हमारी कामनाएं हैं आपके साथ। और राइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? हाँ, करण जी मेरी पत्नी है। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? खुशबू ठाकुर। खुशबू, खुशबू ठाकुर जी, एक बार तालियां बज जाए खुशबू जी के लिए।
तो थोड़ी सी सूचना देनी है हमें गेम के बारे में. इनको हम बताना चाहते हैं कि जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ खेलिएगा. चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं. गेम के रूल्स आपको पता है और तीन लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए. ऑडियंस पोल है, 50-50 है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसके बारे में आपको सूचना है. ऑलराइट, आरंभ किया जाए. लेट्स प्ले. कौन बनेगा करोड़पति? करण जी, हाँ, देख रहे हैं आपकी जनता में कितना जोश है यार. हाँ, इस जोश को आपको बरकरार रखना है. यस सर. ऑलराइट, ऑलराइट. पहला प्रश्न, 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आमतौर पर आपको इनमें से किस पर एक गद्दा और एक तकिया मिलेगा? ऑन विच ऑफ दीज वुड यू जनरली फाइंड अ मैट्रेस एंड अ पिलो? ऑप्शन सुनिए. ए बेड यानी पलंग, बी बुकशेल्फ, सी डाइनिंग टेबल, डी टीपॉय. सर प्लीज लॉक ए बेड. ए बेड पे ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बिस्तर के ऊपर आप गद्दा और तकिया पाएंगे. ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर. मूल्य है इसका 2,000 रुपए. दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए ये रहा आपके सामने. एक भारतीय राज्य जिसकी राजधानी रायपुर है, उसके नाम को आप किस संख्या से जोड़ सकते हैं? विच नंबर कैन यू एसोसिएट विद द नेम ऑफ एन इंडियन स्टेट हैविंग रायपुर एज इट्स कैपिटल? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. ए 9, बी 36, सी 27, डी 45. ए 9, बी 36, सी 27, डी 45. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 36. 36 में ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया है आपने. हिंदी में 36 को बोलते हैं 36. और छत्तीसगढ़, 1 नवंबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था वो, और जिसके बाद वो एक अलग राज्य बन गया. जैसे ही हमारा कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, हाँ, ये हो गया. हाँ, आपको मालूम है, हाँ, हमारा ये कार्यक्रम जो है सन 2000 में शुरू हुआ था. हाँ, नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं. नहीं तो भी आपका मन बहलाने के लिए. ओके करण जी, आपने थोड़ा बहुत तो अपने बारे में बताया. हाँ, कि आप किसान हैं. कुछ और बताएंगे आप अपने बारे में? सर मैं किसान हूँ, साथ में मैं एक केमिकल इंजीनियर भी हूँ. हाँ, तो सर किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी उनकी जमीन रहती है. सर तो मेरी जमीन इतनी अच्छी है कि मुझे फुल सपोर्ट करती है सर, कि किसी भी तरीके का हम क्रॉप्स उस पर उगा सकते हो. ज्यादातर अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, वैसे तो हम शुगर केन पे ज्यादा दे रहे हैं. गन्ना. जी जी, गन्ना. बिल्कुल गन्ना, लेकिन वो एक साल का क्रॉप्स रहता है पूरा. लेकिन एक साल के बाद किसान को क्रॉप्स चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो सॉइल के लिए भी अच्छा रहता है, जमीन के लिए भी अच्छा रहता है और पैदावार भी अच्छी खासी होती है. जी ओके, तो ये सब कर रहे हैं आजकल. हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की आपने? ताकि हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की? क्योंकि पापा का पहले से एक सपना था कि कुछ भी हो जाए किसानी तो छोड़नी ही नहीं है. लेकिन किसानी के साथ साथ पहले एक ट्रेंड चलता था कि कोई किसान पढ़ता लिखता नहीं था, कि करना है तो कुछ भी, आखिरकार काम तो खेत में ही करना है ना. लेकिन वो खेत में काम करने के लिए भी नॉलेज चाहिए. आज की जो मार्केट रिक्वायरमेंट से जो डिमांड है, वैसे आप दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे. तो आज का किसान आगे बढ़ना चाहता है, तो किसान को भी एक अच्छी जगह पे, एक सोसाइटी में एक अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट मानी जानी चाहिए. तो इसीलिए मैंने पढ़ाई लिखाई की. मैंने 4 साल एक केमिकल कंपनियों में भी काम किया था. अच्छा. हाँ, तो 4 साल के बाद फिर लास्ट ईयर फैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई पापा के बाद. तो एक मौका भी था और एक जवाबदारी भी थी, तो दोनों के साथ मिलके फिर मैंने उसको अपना एक प्रोफेशन बनाया, और प्रोफेशन के साथ मैं उसमें आगे और भी काम करना चाहता हूँ. ओके, वेल डन. सोच अच्छी है भाई साहब आपकी, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आज आप यहाँ से धनराशि जीते, कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो आपके आगे शिक्षा. हाँ, में और किसानों में भी. तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने करण जी, ये रहा 3,000 रुपए. तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर.
मक्खन को उबालकर इनमें से क्या प्राप्त किया जा सकता है? Which of these is obtained by clarifying butter? ऑप्शन सुनिए, ए कर्ड्स, बी बटर मिल्क, सी घी, चीज, दही, छाछ, घी या चीज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी घी। घी, हाँ लगा दे ताला। सी घी, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। ओके, घर में जो खाना पकता है आपका, हाँ वो आपके जो घर में खेती होती है वहीं से बनता है या कहीं और से आता है? नहीं, हमारे घर के आजू बाजू ही, हमारे पीछे ही एक पूरा गार्डन जैसा बनाया है। खेत की तो चीज अलग रहती है फिर, लेकिन वहीं पे हम थोड़ी थोड़ी जो घर के लिए रिक्वायरमेंट रहती है तो फिर वहीं पे वेजिटेबल्स और अलग अलग तरीके की, जैसे कि टमाटर हो गया, फिर हल्दी हो गई, फिर धनिया हो गया, तो ऐसे अलग अलग चीजें बनाते हैं। फिर घर पे ही मम्मी उसको संभालती है पूरा। जी जी जी। उसका टेस्ट भी सर अलग आता है। हाँ, ये तो सही बात है। आप अगर मार्केट से लोगे और खुद उगाओगे तो जमीन आसमान का फर्क रहता है उसमें सर। जी जी, हाँ। सही कहा आपने। ऑलराइट, चलिए करण जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। चित्र में दिखाए गए दोनों लोगों के पहले नाम का अर्थ क्या है? ये एक इमेज प्रश्न है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट नेम कॉमन टू दीज पीपल? चित्र दिखाया जाए। देख लिया? हाँ। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए मून, बी अर्थ, सी कॉमेट, डी सन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सन। चंद्रमा, पृथ्वी, धूमकेतु या सूर्य? आप कह रहे हैं डी सन, सन सूर्य। लगा दे ताला। यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो छवि में जो दिख रहे हैं लोग हैं उनके नाम भी बता दीजिए। एक रवि शास्त्री है। हाँ जी। और दूसरे जो फेमस सितार प्लेयर उनका नाम रवि रविशंकर ऐसा कुछ है। कुछ नहीं, रविशंकर ही है। हाँ। भारत का नाम इन्होंने जगह जगह विश्व भर में रोशन किया। हाँ। और रविशंकर जी को पंडित की उपाधि मिली हुई। हाँ। तो इनको कहते हैं पंडित रविशंकर। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है भाई साहब। ये गीत जिस फिल्म से है उसमें कंगना रनौत ने किस व्यक्ति की भूमिका निभाई है? विच पर्सनालिटी इज कंगना रनौत पोर्ट्रेइंग इन द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम? वीडियो दिखाया जाए। देख लिया? यस सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ओके सर। ए जे जय ललिता, बी ममता बनर्जी, सी मायावती या डी स्मृति ईरानी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जे जय ललिता। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने। इस फिल्म का नाम था तलाई वी। हाँ। जो कि जयललिता जी का प्रचलित नाम था, तलैवी। तलैवी। और एक तरह से ये भी एक उपाधि होती है दक्षिण भारत। हाँ। में जैसे तलैवा हो तो रजनीकांत सर को हाँ, तलैवा बोलते हैं क्योंकि उनका बड़ा ही नाम है। हाँ एकदम बिल्कुल। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो क्लिप देवियों सज्जनों आपने अभी देखा ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए हम उनको अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं और बधाई। संगीत वगैरह सुनने का वक्त मिलता है कि नहीं आपको? सर गाना वाना सुनता हूँ, अच्छा शौक भी है। अच्छा। लेकिन जनवरी से पहले मेरे फेवरेट सिंगर सोनू निगम सर थे और अरिजीत सर थे, लेकिन जनवरी के बाद उसमें चेंज आ गया सर। क्यों? एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी शख्सियत मेरी लाइफ में आई जो बहुत प्यारा गाती है, जो है मेरी वाइफ। ओहो, अच्छा। अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। Yes, छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
माना जाता है कि वाराणसी में दशाश्वमेध घाट का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने वहां किस जानवर की 10 बलि दी थी? द दशाश्वमेध घाट इन वाराणसी इज बिलीव्ड टू गेट इट्स नेम बिकॉज लॉर्ड ब्रह्मा सैक्रिफाइस्ड 10 एनिमल्स ऑफ व्हाट काइंड देयर. विकल्प सुनिए, ए काउ, बी गोट, सी हॉर्स, डी एलिफेंट. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हॉर्स. गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, आपने कहा सी घोड़ा. लगा दें ताला? यस सर, लॉक सी. सी घोड़ा हॉर्स पे ताला लगाया जाए. बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने. हाँ, दश अश्व. दश अश्व मीन्स घोड़ा, हॉर्स. क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. दशाश्वमेध घाट गंगा के सबसे शानदार घाटों में से एक है. यहाँ जो गंगा आरती होती है वहां पर शानदार एक दृश्य देखने को मिलता है. पता नहीं आप कभी गए कि नहीं, जाइएगा कभी लाइफ में एक बार जाना चाहिए. दश का अर्थ, जैसे कि अभी आपने बताया, 10 होता है. और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ के दौरान यहाँ 10 घोड़ों की बलि दी थी और इसलिए अश्वम शब्द जो है जिसका अर्थ है घोड़ा, अश्वमेध. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और तुरंत उत्तर दे दिया. 20,000 हो गए हैं. अब आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर. भाई साहब ये है 40,000 रुपयों के लिए. ओके सर. सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. पाक, मलक्का और जिब्राल्टर जैसे नामों को इनमें से क्या चीज जोड़ती है? विच ऑफ दीज कनेक्ट्स नेम्स लाइक पाक या पॉक, मलक्का एंड जिब्राल्टर. ऑप्शन सुनिए, ए All are straits. B are territories of the UK. C are names of seas. Yet D named after British officers. सभी जल डमरू मध्य है, United Kingdom के क्षेत्र है, सभी सागरों के नाम है या British अधिकारियों के नाम पर है. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑल आर स्ट्रेट्स. सभी जल डमरू मध्य है. सभी जल डमरू मध्य है, कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. थैंक यू सर. जो पाक स्ट्रीट है हमारे साउथ में श्रीलंका और इंडिया के बीच में जाती है, जिसे समुद्र धुनी, जी जी समुद्र धुनी भी बोलते हैं. और जिब्राल्टर यूरोप का एक एंट्रेंस माना जाता है और मलक्का मलेशिया के आसपास आता है. सर हमारी नौकरी आपने खतरे में कर दी है. सॉरी. नहीं सर, आपकी जगह तो जो कोई हमको नहीं ले बोलना सकता. था वो आपने बोल दिया. बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने. तालियां बज जाए इनके लिए. बहुत खूब करण जी. आ गया है आठवां प्रश्न. 80,000 रुपए. आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? निक्षय इज अ वेब पोर्टल रन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प एलिमिनेट Which disease? ये रहे आपके ऑप्शंस. ए पोलियो, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी एड्स, डी मलेरिया. पोलियो, यक्ष्मा, एड्स, मलेरिया. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, बी यक्ष्मा. यक्ष्मा पे ताला लगाया जाए. यस सर. बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बहुत बहुत बधाई आपको करण. थैंक यू सर. क्या बात है. यहां पर भी देखिए अच्छा नाम चुना गया है. निक्षय. नी का मतलब होता है समाप्त, क्षय क्षय रोग. यस सर. नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब एनेबल्ड
रोगी प्रबंधन ये प्रणाली है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से केंद्रीय टीबी प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है। वेल प्लेड करण जी, थैंक यू। ओके, जैसे कि आपने कहा था अभी भाई साहब करण जी कि आप किसानों के परिवार से हैं। हाँ सर। खेती बाड़ी जो है आपने जब से आपने शुरू किया है उसको आपने अपग्रेड कब किया या करना पड़ता हाँ, है या सर पहले से एक ट्रेंड चलता आता था अभी पुराने समय से कि ज्यादा खाद डालोगे या फिर ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा पैदावार होगी। इसी वजह से किसान को भी नुकसान होता था और इससे देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि आज सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर हम इम्पोर्ट कर रहे हो। किसानी का एक ट्रेंड है कि पढ़े लिखे आदमी किसानी में जाते नहीं है, वो एक चीज बदलनी होगी। लोग विज्ञान में कहीं पे भी आगे चले जाएंगे लेकिन उनको खाने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए ही जी। और वो किसान ही प्रोवाइड करेगा या खुद किसानी सबको सीखनी पड़ेगी। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। देश के किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे बहुत प्रसन्न होंगे आपसे करण जी। ऑलराइट, अब आ गया है नवा प्रश्न करण जी। इसका मूल्य है 160,000 रुपए। तैयार हो जाइए, नवा प्रश्न 160,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 दिसंबर इन ऑनर ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या पीएम्स बर्थ एनिवर्सरी? ऑप्शन सुनिए, ए श्री ए बी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी, बी श्री वीपी सिंह, सी श्री मुरारजी देसाई या डी श्री आई के गुजराल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, श्री ए बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। लगा दे ताला। यस सर। तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप। यस सर। ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भारत में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसे 2014 में सरकार के उत्तरदायित्व को लेकर भारतीय लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए यह आरंभ किया गया था। कहीं भी आप सोच नहीं रहे हैं, आपको उसका उत्तर मालूम है। यस सर। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। अब आने वाला है 10वां प्रश्न। यहाँ पर हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं और वो कहते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर। पेरा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने इंग्लैंड में भारत को अंतिम बार एक टेस्ट सीरीज जिताया था? हु इज द लास्ट कैप्टन टू लीड द इंडियन क्रिकेट टीम टू अ टेस्ट सीरीज विन इन इंग्लैंड? ए सौरव गांगुली, बी एम एस धोनी, सी राहुल द्रविड़, डी विराट कोहली? टेस्ट सीरीज जितवाया था लास्ट टाइम, एम एस धोनी नहीं है, विराट कोहली नहीं है, सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के बीच में कंफ्यूजन है, तो मैं 50-50 लाइफलाइन शांत हो जाइए, इसको अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत विकल्प हैं मिटा दीजिए। ज्ञाननाथ जी, सर प्लीज लॉक राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी बचे। यस सर, प्लीज लॉक सर ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। सी राहुल द्रविड़ पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दे रहे हैं। ₹3,20,000 जीत गया। जब भारत ने अंतिम बार 2007 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीता था तो राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कप्तान थे
और वो सीरीज हमने 1-0 से जीता था। हाँ 1-0 से। ऑलराइट करण जी, सबसे पहले तो एक चेक आ गया है आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। यस सर, आ गया। ऑलराइट, अब कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे, समय समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहां हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न। यस सर, तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़। और 15वें प्रश्न पर ₹75,00,000 का धन अमृत पड़ाव, ये भी अब जागृत हो जाता है। ओके सर, समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। करण जी, ये ₹3,20,000 आपने जीत लिए हैं, और जितने भी हमारे यहाँ खिलाड़ी आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का। सर, एक पापा का एक अधूरा सपना था कि मेरे भाई है छोटा, उनको एक मास्टर्स डिग्री करने के लिए थोड़ी अमाउंट पापा ने इकट्ठी की थी। अच्छा, लेकिन लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो उनके हॉस्पिटल्स बिल्स में सब धनराशि खर्च हो गई थी। तो फिर मेरे भाई को वो टेम्पररीली पोज पे रखना पड़ा कि आप अभी वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि फैमिली में वो कंडीशन नहीं थी उस टाइम पे। तो आज मैं यहाँ से जो भी धनराशि जीत के जाऊँगा तो फिर मैं अपने भाई को आगे पढ़ाऊंगा ही। सर, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी धनराशि आज आप यहाँ से जीते तो सही जगह पर उसका उपयोग होगा। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, मूल्य इसका ₹6,40,000। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, ₹6,40,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शोभा थरूर श्रीनिवासन की पुस्तक प्रिंस विद अ पेंट ब्रश किस व्यक्ति की कहानी है? प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, अ बुक बाय शोभा थरूर श्रीनिवासन, क्रॉनिकल्स द स्टोरी ऑफ अ विच पर्सन। ऑप्शंस रखने जा रहा हूं। ए, मोहम्मद शाह रंगीला। बी, भूपेन खक्खर। सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। डी, राजा रवि वर्मा। आप लीस्ट रिस्क वाले प्रश्न पे हैं, खेलिएगा जरूर। 2 लाइफलाइन बची हैं, सही उत्तर आपको देंगे 6.40। दुर्भाग्यवश अगर ये उत्तर गलत हो गया आप कुछ खोएंगे नहीं, 3.20 पे रहेंगे। शोभा थरूर श्रीनिवासन की पुस्तक प्रिंस विद अ पेंट ब्रश किस व्यक्ति की कहानी है? यस सर, सर मुझे लग रहा है कि इसका आंसर राजा रवि वर्मा ही होना चाहिए, क्योंकि वही एक प्रिंस है जो साउथ इंडिया, उन्होंने बड़ौदा में प्रिंस राजा जो सयाजीराव गायकवाड़ जी थे उनके लिए लक्ष्मी विलास पैलेस में उन्होंने काफी पेंटिंग्स की थी। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। पूरी भूमिका बांधने के बाद कह रहे हैं डी, राजा रवि वर्मा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सर ये बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन इसकी आपने जिस तरह से भूमिका बांधी, आपको सब ज्ञान था इसके बारे में। राजा रवि वर्मा के जीवन का वर्णन करने वाली बच्चों की इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर चित्रण है। रवि वर्मा 29 अप्रैल 1848 को किलीमानूर केरल में पैदा हुए थे। फिर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स होती हैं इनकी। हाँ सर, बहुत बहुत ही बारीक तरीके से होती हैं। और उनका जो बड़ौदा में म्यूजियम है, जी जी, उसमें इनकी पेंटिंग्स रखी हुई है। जी हाँ, जो आपको देख के एक बार आप उधर खड़े रह के आप देखोगे उसको, बिल्कुल आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है, खास तौर से जिस तरह के वस्त्र पहने जाते थे उनकी बारीकियों को भी पेंटिंग से, गहने जो महिलाएं पहनती हैं या जो पुरुष पहनते थे उस जमाने में, राजा महाराजाओं की उनके गहने, एक एक चीज इतनी खूबी से उसकी पेंटिंग की हुई है। और आमतौर पर ये बिकती जो है ये बाजार में बहुत महंगी पेंटिंग होती है, अभी तो सब म्यूजियम, लेकिन अब तो म्यूजियम में आ गए, बहुत अद्भुत पेंटिंग्स हैं। करण जी, एक चीज और पूछनी थी हमें आपसे। हाँ, कि जब आपको कॉल आया केबीसी की टीम से, तो
कैसा लगा आपको? पहले तो मैं घबरा गया था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि आएगा कॉल, कि अच्छा? मैं रोज खेलता था तो आना चाहिए, तो लेकिन घर में फिर वो लोग डाउट करने कि बहुत फेक कॉल्स आते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन दूसरे दिन ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तो फिर मालूम चला कि ये सही है, यही सही है। ऑलराइट। हाँ, बहुत से लोगों को तकलीफ का कष्ट हो रहा था कि ये फेक कॉल फेक कॉल्स है। हाँ सर, और वो नहीं जाएंगे, बहुत से लोग नाराज हो जाते थे, फोन बंद कर देते थे। हाँ सर, क्यों मजाक कर रहे हो सर? हाँ, एकदम ऐसे ही करते। तो हमने सुना है भाई साहब, हाँ सर, कि कॉल आने से पहले आपने कपड़ा पड़ा खरीदना शुरू कर दिया। अरे हाँ सर, पहले उनको, मुझे कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं है, मेरी वाइफ को बहुत शौक है सर। अच्छा। तो बोला आप वहाँ पर जाओ, लग रहा है बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई। हाँ सर, तो उन्होंने बोला आप वैसे तो अमित सर के सामने वैसे तो नहीं जा सकते। अच्छा। आपको मैं नए कपड़े दिलवाऊंगी, मतलब दिलवाऊंगी। फिर वो मुझे ले गए शॉपिंग पे कि चलो। अच्छा, खुशबू जी प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा कि पतिदेव जब हमारे सामने आएंगे तो उनको कपड़े पहने होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रही हैं आप? अच्छा खासा तो दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं सर, क्या है कि पत्नियों की बात माननी पड़ती है, कभी माननी पड़ती है, और बहस भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सर, एकदम सही होते हैं वो लोग। बिल्कुल, अगर वो बोले कि सूरज पश्चिम से उगेगा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही कहा आपने। हाँ, हम भी यही मान के चलते हैं अपने जीवन। करण जी, अब आपका ध्यान जो है आ जाए हमारे इस खेल पर। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। यस सर। 12,50,000 रुपए, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ।2022 में किस भारतीय राष्ट्रवादी को लंदन के 72 अनर्ली पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया था? In the year 2022, which Indian nationalist was honored with a blue plaque in his former residence at 72 Ennerly Park, London? Option sunye: A. Badruddin Tayyab ji. B. Dadabhai Naroji. C. Sri Aurobindo. D. Mahatma Gandhi. सर, ये क्वेश्चन अभी आज़ादी के 75 इयर्स ख़त्म होने पर यूके ने इंडियन, जो यूके की असेंबली थी वहाँ पे चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, उनको सम्मानित करने के लिए 72 एनली पार्क लंदन में उनके घर को ब्लू प्लेक, मीन्स वो जो इमारत है वो अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट है, इसके लिए उन्होंने ये ब्लू प्लेक सम्मान दिया जाता है वहाँ पर उस बिल्डिंग को। तो इसका आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी, जो हमारे नवसारी में ही पैदा हुए थे। ओ हाँ, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ताला लगाया जाए बी पर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान गए भाई साहब आपके ज्ञान को। लंदन की इमारतों में रहने या काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए ब्लू प्लैक्स लगाए जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपने लंबे जीवन के 3 दशक लंदन में बिताए और 1897 से लेकर के 1905 तक 72 अनर्ली पार्क में वो रहे। हम जानना चाहते हैं करण जी, ये बड़े मुश्किल प्रश्न है। यस सर। कठिन है बहुत। यस सर। इतना ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया? सर पहले से ही शौक था कि कुछ भी चीज देखो तो उसे सीखो, कुछ ना कुछ ऐसे ही मत छोड़ दो, कभी ना कभी वो चीज काम आएगी। आज वो चीज का मुझे फायदा भी हो रहा है। मैं वैसे सर गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करता हूँ सर साथ ही में, कि अगर मुझे किसान, मैं किसान तो हूँ, रहूंगा भी और पूरी जिंदगी रहूंगा सर। किसानी के साथ साथ सर किसानों की जो अभी फिलहाल जो हालत है उसको सुधारने के लिए एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना पड़ेगा सर, तो सिस्टम पे जाने सरकारी पोस्ट पर। हाँ, तो वहां से मैं उनके साथ सीधा कनेक्ट कर पाऊंगा। अभी तो मुझे, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मंच मिला है और मैं अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन
अगर मुझे उनसे सीधा सीधा कांटेक्ट करना होगा तो मुझे एक सरकारी पोजीशन चाहिए, जिससे मैं उनकी हालत उनको भी एक हेल्प कर सकूं, उनके लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकूं सर। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए जाना चाहता हूं और प्रिपरेशन करता हूं सर उसके लिए भी। अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? हाँ सर, अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स आती है सर जी, जी. उनके लिए मैं एग्जाम उनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ करण। थैंक यू सर। सर आप कभी नवसारी आए हो? गुजरात? गुजरात गए हैं कई बार। हाँ, आप तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। हाँ, गुजरात के नहीं, टूरिज्म के। टूरिज्म के, गुजरात टूरिज्म के, मीन्स वही हो गया सर। तो आपने साउथ गुजरात में एक हमारे यहाँ पे एक लोकेलिटी एक डिश है जो हम अपने खेतों में ही जो उगता है उससे बनाते हैं, उसको उम्बाड़ियो बोलते हैं, जो एक नेचुरल हर्ब्स से और वेजिटेबल सब मिक्स करके उसमें थोड़े स्पाइसेस डाल के बनता है। वो जो हर्ब्स होती है वो काफ़ी हेल्दी रहती है और वो कहीं पे उगती नहीं है, जब विंटर का सीजन आता है तो अपने आप उगती है। तो उन्हीं हर्ब्स से उसको पूरे मटके में सील करके एक डिश बनती है उम्बाड़ियो। वो सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। सर आप कभी हमारे नवसारी में आओ तो इनके पास तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा ही। अच्छा, तो है ही, तो आप उनसे ले लीजिएगा और आइएगा, जरूर आएगा। उम्बाड़ियो? उम्बाड़ियो, 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 जिसमें नो ऑयल कुछ। अच्छा, नहीं नहीं, पर इसको ऐसे बस सादा खा देते हैं या किसी उसको के? सर वो थोड़ा स्पाइसी रहता है, तो स्पाइसी रहता है तो सर उसको स्पाइस को कम करने के लिए उसको एक छास छास के साथ सर्व किया जाता है, बहुत टेस्टी रहता है सर। धन्यवाद आपका, इसको याद रखेंगे हम। हाँ भैया, इनका जो नंबर नंबर है हमको दे देना। उम्बाड़ियो, उम्बाड़ियो, ओके। ऑलराइट करण जी, आगे चलते हैं खेल में। आ रहा है 13वां प्रश्न, मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में महेश भूपति और लियांडर पेज ने रॉजर फेडरर और ईव लेगरो को युगल प्रतिस्पर्धा में हराया था? एट विच एडिशन of the Olympic Games did Mahesh Bhupati and Leander Paes beat Roger Federer and Yves Allegro in doubles? Options ye rahe aapke samne: A. Atlanta 1996, B. Sydney 2000, C. Athens 2004, D. Beijing 2008. सर बीजिंग 2008 तो नहीं होना चाहिए, एटलांटा 1996 भी काफ़ी अर्ली है, सिडनी 2000 या एथेंस में उन्होंने शायद मेडल जीता था डबल्स में, एथेंस 2004, सिडनी 2000, एथेंस 2004। बीजिंग तो काफी लेट हो गया, तब तो महेश भूपति जी नहीं खेलते थे ज्यादा। सर मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूंगा। ऑलराइट, लाइफलाइन करेंगे आप? और सर ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और प्रश्न आपने सुन लिया होगा। ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में महेश भूपति और लियांडर पेज ने रॉजर फेडरर और ईव अलेग्रो को युगल प्रतिस्पर्धा में हराया था? रेडी, आपका समय शुरू होता है अब। सी एथेंस 2004 को 48%, ए को मिला है 38%, बी को मिला है 2% और डी को 12%। ए को 38% है, बी को 2% मिला है, सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला 48% और डी को 12। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, अधिकतर जनता जो है वो कह रही है सी, एथेंस 2004। एथेंस 2004, क्या करें सर? लॉक करो। लॉक किया जाए सी, एथेंस 2004।
25 लाख का प्रश्न था, भाई साहब ने हाथ उठा दिया है, हम भी हाथ उठा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू, वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू ऑल। रोजर फेडरर जो थे वो उस समय नंबर वन खिलाड़ी थे वर्ल्ड के रैंकिंग में, सिंगल्स में। हाँ। और 2008 में फेडरर और स्टैन वावरिंका ने पेस भूपति की टीम को हराया और स्वर्ण पदक जीता था, मेडल जीता था उन्होंने। एक व्यक्तिगत प्रश्न। यस सर। पत्नी जी को कहाँ मिले आप, कैसे ब्याह हो गया आपका? सर वैसे हम मींस क्लोज फैमिली, फैमिली फ्रेंड्स ही थे। अच्छा। तो उन्होंने एक अप्रोच किया था कि आपको देखना है, मींस मिलने आना है जी, जी। फैमिली को साथ, तो सब साथ में फैमिली आई, तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैं तो मम्मी को मना ही कर रहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है जी, जी। लेकिन मम्मी बोली लड़की देख लो क्या है, क्या जाता है। तो फिर सब फैमिली इकट्ठा हुई, तो वो फैमिली सर अपने आप ही उन्होंने डिसाइड कर दिया, खुद एक दूसरे को इतना जम गई फैमिली, तो उन हमको तो कुछ पूछ नहीं रहा है सर। हाँ ओके डन हो गया। पापा भी थे तब तो सर जी, जी। तो पापा बोले लड़की भी अच्छी है करण, तो अभी अभी देर करने में कुछ मजा नहीं है, तो कर लो। फिर भी मैं बोला मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा, फिर उनसे व्हाट्सएप पे सर थोड़ी चैटिंग की। अच्छा। सोशल मीडिया पे सर थोड़ी बात की, तभी मालूम पड़ा कि हाँ चलो आप मेरे को सपोर्ट करती है सर, समझती है। आपको समझती है वो? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से सर। व्हाट्सएप पे समझ गई है कि आप कैसे हैं? नहीं सर, फिर तो मुलाकात भी सर काफी अच्छी हुई ना सर। सर तो फिर तो मुलाकात भी हुई सर। सर क्या महत्व हो गया है व्हाट्सएप का, हम सर अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हाँ तो सर व्हाट्सएप पे सबसे पहले तो मैंने ही प्रपोज किया था, वैसे वो मुझे फट्टू बोलती है कि आप नहीं हो अच्छे, लेकिन सबसे पहले प्रपोज भी सर मैंने किया था। क्या बोलते हैं आप इनको? फट्टू। फट्टू डरता है बहुत ऐसा कि सीधा बोलो ना। तो मैं बोला कि लड़की को कभी, लड़की से कभी बात भी नहीं की थी सर पहले तो, ऐसा एकदम साई नेचर का था। क्या बात कर रहे हैं, कभी किसी महिला से बात ही नहीं की थी? पहले तो बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा मम्मी बोलती है कि सब तेरे कॉलेज के फ्रेंड्स है तो जाते हैं कभी, तू तेरे टाइम पे ही घर पे आ जाता है, कभी भी किसी लड़के को कॉलेज से टाइम पे घर पे आते हुए देखा नहीं है। मैं बोला मुझे वो सब नहीं जमता है, नहीं जाता मैं कहीं पे भी वैसे। सर अद्भुत है ये। बधाई हो आप दोनों को, आप दोनों इसी तरह। लेकिन सर काफी खुश किस्मत हुआ लेकिन मैं। काफी मतलब बहुत अब बहुत ज्यादा ये बोलिए ना। करण जी अब आएगा आपके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। करण जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध डिजाइनर चार्ल्स और रे एम्स ने भारत की अपनी यात्रा के बाद किस दैनिक वस्तु का वर्णन द ग्रेटेस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल के रूप में किया था? विच एवरी डे ऑब्जेक्ट डिड लेजेंडरी डिजाइनर्स चार्ल्स एंड रे एम्स डिस्क्राइब एज द ग्रेटेस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल आफ्टर देयर विजिट टू इंडिया? यस सर। ऑप्शन सुनिए, ए बाल्टी, बी लोटा, सी बेलन, डी चूड़ी। ओके सर। प्रसिद्ध डिजाइनर्स चार्ल्स और रे एम्स ने भारत की अपनी यात्रा के बाद किस दैनिक वस्तु का वर्णन द ग्रेटेस्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल के रूप में किया था? ए बाल्टी, बी लोटा, सी बेलन, ये डी चूड़ी। समय समय आपके पास, सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख रुपए और एक लाइफलाइन अभी भी बची है। सर ये सब चीजें ब्यूटीफुल किसी को लग सकती है, वो भी बाल्टी बेलन और लोटा।
सर इसका ये क्वेश्चन पे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि फैशंस में वैसे भी मैं मानता नहीं ज़्यादा। तो सर मैं अपनी एक आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँगा सर। इस आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और आपने तीन नाम दिए थे करण भाई साहब जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये रहे वो नाम। हार्दिक क्षत्रिय हैं, दर्शन ठाकुर हैं, प्रतीक सिंह वगेला। सर मैं हार्दिक क्षत्रिय को कॉल करना चाहूंगा। हार्दिक क्षत्रिय को फोन लगाया जाए, ये वीडियो कॉल है। और आपके रिश्ते में लगते हैं ये? हाँ मेरे कजिन ब्रदर है सर। आपके कजिन ब्रदर है, ऑलराइट। हार्दिक क्षत्रिय। हेलो। हेलो हार्दिक जी। हाँ प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? प्रणाम सर। आपके भाई साहब हैं यहाँ आए हैं, हॉट सीट पर हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? तो ये अभी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके आपको चार ऑप्शंस देंगे ए बी सी डी, और जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी और 45 सेकंड्स मिलते हैं केवल टू गिव अ रिप्लाई, आंसर देने के लिए। रेडी? करण जी आपका समय शुरू होता है अब। हैप्पी चार्ल्स अने रे एम्स जरे भारत आव्या त्यारे एने आमाथी कई वस्तु ग्रेटेस्ट अने द मोस्ट ब्यूटिफुल लागी, एमने पोतानी आ रीते एमने वर्णन आप्युं। चार्ल्स अने रे एम्से बाल्टी लोटो बेलन के चूड़ी। मैं कहूँ चार्ल्स अने रे एम्स जे फैशन डिजाइनर छे जे भारत आव्या त्यारे तेमने कई वस्तु द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लागी, बाल्टी लोटा बेलन और चूड़ी। अरे फैशन होय तो चूड़ी होय ना मेन फैशन, बीजू बधु कॉन्फिडेंस है तू? तो कॉन्फिडेंस है? नॉट श्योर, नॉट श्योर। ओके लाइक कहीं पे ये सुनने में आया था कि लोटा होना चाहिए, लोटा को उन्होंने इस पे कुछ व्यंग भी बना था शायद कि इसका आंसर लोटा हो सकता है। ओके बाल्टी तो उनके वहां भी होती होगी तो उनको तो उनकी उसकी इतना इंपॉर्टेंट उनको मालूम नहीं पड़ा होगा। चूड़ी तो हर एक बैंगल तो हर एक लोग पहनते हैं। अब बेलन हो सकता है, बेलन से मार भी पड़ते कभी कभी तो वो देख के भी उन्होंने शायद बोला होगा द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, किसी को पीटते हुए देख लिया होगा। तो क्या लग रहा है आपको, कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो? सर लोटा ही सुना था। राइट अमाउंट भी काफी बड़ी है सर, रिस्क लेने पे सोचना पड़ता है सर। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर तो मैं लोटा के साथ जाना चाहूंगा सर। लोटा के साथ जाना? यस सर। ऑलराइट सोच लिया? यस सर। क्या किया जाए सर? प्लीज लॉक ऑप्शन बी लोटा। लोटा बी ऑप्शन लॉक किया जाए। मान्यवर बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने, क्योंकि ये प्रश्न जो अगर सही हो गया तो 50 लाख मिलते हैं आपको। आपसे हमने कहा था कि अगर आपकी लाइफलाइन समाप्त हो गई है तो भी आप खेल सकते हैं और क्विट भी कर सकते हैं। हाँ सर। अगर आप क्विट कर जाते तो आज आप 25 लाख रुपए ले जाते। आपने सही जवाब दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। Well played. 50 lakh. Cool.
चार्ल्स ऑर्मंड एम्स जूनियर और बर्निस अलेक्जेंड्रा रे काइजर एम्स एक अमेरिकी विवाहित जोड़ी थी और 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स में से एक थे वो। यस सर। उन्होंने ये कोट अपने इंडिया रिपोर्ट में लिखा था और इस रिपोर्ट ने सरकार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद आपके ही प्रांत से की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। Okay. और उन्होंने कहा कि लोटा जो है ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप पूछ रहे थे घर की क्या हो सकता है ये बेलन, आपने अच्छा हुआ नहीं बोला। बहुत सी महिलाएं जो है नाराज हो जाती लेकिन लोटा जो था वो बिल्कुल सही और अब इसको सुनने के बाद सही मानों में कहीं लगता है ना कि ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। विदेश में कहां देखा होगा इंडियन कल्चर के बाहर वो आपको नहीं मिलेगा। एक तो क्या है सर, क्योंकि वो गोल है तो पानी ज्यादा आ जाता है उसमें, उसके पकड़ने के लिए कोई हैंडल नहीं, लेकिन उसका रिम जो है उस ऐसे उंगली पर रख के उसको उठा सकते हैं, इसलिए उनको लगा होगा। अब ये तो वही बता सकेंगे अच्छी तरह से, लेकिन है बड़ा आश्चर्य की बात और एक अजूबा है ये। अब भारतवर्ष में लोटा जो है वो प्रबल है। वो सर इंडस पुलिस सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। है कि नहीं? हाँ सर। वाह वाह वाह। खेल में आगे बढ़ेंगे और यह आ गया है जो तीसरा पड़ाव हमने आपको बताया था, 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। यस सर। 75 लाख्स। यस सर। धन अमृत पड़ाव, 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जो बाद में गलत साबित हुआ? Who among these was awarded a Nobel Prize for work that was later proved to be incorrect? Options A. Oswald Avery. B. Josiah W. Gibbs. C. Gilbert N. Lewis. D. Johannes Fibiger. इनमें से किसे उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जो बाद में गलत साबित हुआ? ओसवाल्ड और एन लुईस जी को तो अभी भी मिला है, उनके पास तो फिलहाल भी है। जोशुआ गिब्स और फिबिगर, उन दो में से एक होना चाहिए आंसर। जोशुआ गिब्स। और जोहानस फिबिगर। सही उत्तर 75 लाख। गलत नीचे गिरा देंगे आपको 3-20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं, आपको आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। अभी इतने आगे आके रिस्क लेना भी ठीक नहीं होगा, हो सकता है या बी और डी, लेकिन नहीं, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, इसलिए सर मैं आगे नहीं खेलूं, मैं क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे आप? यस सर। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। आप 50 लाख रुपए जीत रहे हैं। थैंक यू सर। करण इंद्र सिंह ठाकुर जी, और बहुत ही खूबी से आप खेले। यस सर। ये जितनी भी धनराशि आपने जीती है 50 लाख, ये हम ऐप द्वारा इनकी जो जीती भी धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ गया। यस सर। करण इंद्र सिंह ठाकुर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नौ दबाएंगे, 50 लाख रुपए। एक और। यस सर। गिनती ठीक है? हाँ सर। ओके, कंफर्म किया और ये 50 लाख रुपए इसी समय आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ओके,
पहले हमें जनता को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए भाई साहब। सर ऑप्शन डी जोहानस फिबिगर। डी जोहानस फिबिगर पे थल लगाया जाए। समझ गए सर? हाँ सर। सर ये सही उत्तर होता अगर ये खेल जाता। लेकिन सर रिस्क भी बड़ा था। क्या बात है भाई साहब आपके ज्ञान की बुद्धि की हम प्रशंसा करते हैं। थैंक यू सर। जोहानस फिबिगर को ये साबित करने के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि राउंड वर्म जो है कैंसर का कारण होता है, इसके लिए नोबेल प्राइज। लेकिन बाद में उनका ये काम पूरी तरह से गलत पाया गया। इसे बाद में नोबेल प्राइज अधिकारियों द्वारा की गई सबसे बड़ी भूल जो है वो कहा गया है और माना भी जाता है। ऑलराइट, थैंक यू सर। तालियां बजाएं।